हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी, जो हम ओरियो बिस्किट से बनाएंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ एक पैकेट ओरियो बिस्किट, इसे हम रैपर से निकाल लेंगे। अब इन सारे बिस्किट से हम क्रीम को अलग कर लेंगे। ये बहुत ही झटपट बनने वाली पुडिंग है, इसे हम चॉकलेट डेजर्ट भी कह सकते हैं। इसी तरह हमें सारे बिस्किट से क्रीम को अलग करना है। अब हम इस तरह का एक बैग लेंगे। अब हम क्रीम को साइड में रख देते हैं और इन सभी बिस्किट को हम इस प्लास्टिक बैग में डालेंगे। हम इन बिस्किट को एक रोलर से हल्का सा क्रश कर लेंगे। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसलिए हम इसे मिक्सर में नहीं चलाएंगे, बस रोलर से ही इसे हम क्रश करेंगे। ये बन चुका है हमारा बिस्किट का क्रश। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे बाउल में। इस बिस्किट क्रश को अब हम साइड में रख देते हैं। अब हम लेंगे एक सॉस पैन, उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मिल्क। ये फुल फैट मिल्क है। अगर आप नॉर्मल मिल्क ले रहे हो तो बस इसे 2-3 बॉयल आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे बॉयल होने के लिए। मैं यहाँ फुल फैट मिल्क ले रही हूँ, तो मैं सिर्फ इसे एक बॉईल आने तक ही बॉईल करूँगी। जैसे ही इसमें बॉईल आएंगी, हम इसके अंदर डालेंगे शुगर। हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर। अब इसे बॉईल होने देंगे। जब तक यहाँ मैं ले रही हूँ एक बाउल में 2 टेबलस्पून मिल्क, 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस पेस्ट को डालेंगे हमारे बॉईल होते हुए मिल्क के अंदर। हमें इसे डालते समय कंटिन्यूस दूध को में चलाते रहना है, नहीं तो कॉर्नफ्लावर से लम्स बन सकते हैं हमारे दूध के अंदर। इसे मिक्स हो गया है, आप देख सकते हो कैसे गाढ़ा बन चुका है ये। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने बिस्किट से क्रीम निकाल कर रखी थी। क्रीम मीठी होती है, इसलिए हमने इसमें शुगर सिर्फ 1 टेबलस्पून डाली है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून कोको पाउडर। हमें कोको पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो हमारे क्रीम का कलर डार्क हो जाएगा। बस इस तरह मिक्स करने के बाद हम इसे रखेंगे साइड में ठंडा होने के लिए। ये ठंडा होने के बाद इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल के अंदर। अब मैं ले रही हूँ 2 ग्लास, इसके अंदर हम बनाएंगे पुडिंग। ये है बिस्किट क्रश जो हमने पहले बना कर रखा था। दोनों ग्लासों के अंदर हम फर्स्ट लेयर लगाएंगे बिस्किट क्रश का। 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे बिस्किट क्रश और इसे अच्छे से सेट करेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट सॉस जो हमने बिस्किट क्रीम और कोको पाउडर से बनाया है। इसका भी हमें 2 से 3 चम्मच का लेयर बनाना है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर डालेंगे फिर से बिस्किट के क्रश वाला लेयर। अभी फिर से हम इसमें 3 टेबलस्पून डाल रहे हैं बिस्किट क्रश का लेयर और इसे थोड़ा सा इक्वली सेट करेंगे। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट व्हिप क्रीम का एक लेयर लगा रही हूँ। अगर आपके पास व्हिप क्रीम ना हो तो कोई बात नहीं, आप जो हमने नीचे लेयर दिया था चॉकलेट सॉस का, आप फिर से उसे कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे चोको चिप्स से। आप इसकी जगह चॉकलेट क्रश कर भी डाल सकते हो। अब हम इसके ऊपर सजाएंगे ओरियो बिस्किट को हाफ कट कर, क्योंकि हमने ओरियो बिस्किट पुडिंग बनाई है। ये रेडी है हमारा ओरियो डेजर्ट। आप इसे एक बार घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए आपको हमारी ओरियो पुडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।